अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह के शुक्र से हमारे रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी ना सहरी से स्टार्ट हो रही है और ना इफ्तारी से। आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है चिकन से। अब आप लोग सोचोगे कि मुझे ऐसे चिकन बोलने में हंसी क्यों आई, क्योंकि जैसे ही मैंने चिकन बोला ना, मेरी और मेरी बहन का ना आई कॉन्टैक्ट हो गया और हम दोनों हंसने लगे पागलों की तरह, क्योंकि मैंने इतनी अजीब सी बात बोली ना कि आज की हमारी वीडियो स्टार्ट हुई चिकन से। अच्छा ओके, हम टॉपिक से नहीं हटते हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज जो है हमारी ये चिकन है और आज हम बना रहे हैं कैनवे ब्रोस्ट, ठीक है ना। घर में बना रहे हैं, मम्मा बना रही हैं, मैं नहीं बना रही। आप लोग कहीं ये ना समझे कि मैं बना रही हूँ, मैं कोई इतनी अच्छी शेफ़ हूँ कि मैं ब्रोस्ट रोज़ भी बना लूँ। नहीं, मम्मा बना रही है। मम्मा माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी शेफ़ कह सकते हैं। तो अच्छा ओके, टॉपिक पे आते हैं। तो क्या नाम है, सबसे पहले जो है हमने जो है चिकन को बिल्कुल क्लीन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें जो है इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, नमक वगैरह, नमक, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें और दही डाला, ठीक है। उसके बाद जो इसको मैरिनेट करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से कर लें या आपको जिससे भी इजी और कंफर्टेबल लगे आप उससे जो है कर लें मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करके ना, अच्छा ये सब जो काम है वो कम से कम 3-4 घंटे पहले करें। जैसे आपको रात को बनाना है तो रात को ऑब्वियस अगर आप बना भी रहे तो 8 बजे तक आप फ्राई करेंगे इसको, तो आप ये सब काम जो है दोपहर में करें। तो मतलब इसको मैरिनेट वगैरह होने में जितनी क्योंकि देर मैरिनेट हो गई उतना ही यमी और जूसी बनता है ये। तो हमने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया। मैं आपको अपनी फिंगर पे रख के दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल मेरी नाकाम कोशिश है, नो कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इग्नोर करें, अभी हमारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ये सारे काम करके ना दोपहर का ही टाइम हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आ गई थी जहर की नमाज़ अदा करने, जहर और असर की नमाज़ अदा करने। फजर की मैंने फजर में ही पढ़ ली थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत दफ़ा फजर की नमाज़ आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आप लोग कहेंगे सिर्फ फजर और मगरिब और ईशा की नमाज़ दिखाती है, शायद जहर और असर की नहीं पढ़ती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नमाज़ 5 वक्त की पढ़ती हूँ, बस कभी कभी कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ, कभी कभी कुछ नहीं ले पाती। अच्छा तो ये मैं पढ़ रही थी, इसके बाद जो है जहर असर वगैरह की नमाज़। अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दिन का टाइम हो रहा है, ये कोई टाइम हो रहा था 1:30 बज रहा था, हाँ 1:30 ही बज रहा था। और मैं ज़रा बाहर भी गई थी किसी काम से, तो बाहर इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, और अच्छा बच्चों के जो है स्कूल्स ऑन है, कॉलेजेस ऑन है, यूनिवर्सिटीज़ ऑन है। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो है रमज़ान में कम से कम बंद कर दिया करें। अच्छा तो हम जो है अब दोबारा से चिकन पर आते हैं। अब आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये अब हम जो है हमने एक आटा ले लिया और हमने ठंडा पानी लिया था। अब देखें ये सबसे पहले इसको अच्छे से कोट करें, ऐसे बिल्कुल प्रेस कर करके हम इसको प्रेस कर करके कोट करेंगे। उसके बाद हम जो है इसको पानी में डिप करेंगे, पानी में डिप करेंगे। अभी देखें, अभी कर रहे हैं, कर दिया, देखा मैंने कहा ना अभी कर रहे हैं और हो गया। अब इसको अच्छे से पानी में डिप करेंगे और दोबारा से इस पर कोटिंग करेंगे आटे की, ताकि अच्छे से ना ये इसके ऊपर लग जाए आटा, क्योंकि जितना अच्छा आटा लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा ये क्रिस्पी होगा। और आई थिंक क्रिस्पी जो है सबको पसंद है, बच्चों का जो फेवरेट ही होता है। और मैं आपको यकीन माने अभी इतनी कुछ मज़े का बना था ना, बहुत ही अच्छा। लेकिन आप लोग जो है ना इसको गर्म गर्म खाइएगा, क्योंकि ठंडा करके ना फिर वो बात नहीं रहती है। अब हम जो है ये और भी 2-3 रेडी हो गए थे, बाकी इसी तरह हम जो है आटे में डिप करके इसको फिर पानी में डिप करके फिर दोबारा से इसको आटे की कोटिंग करके जो है रख देंगे। अब जो है यहाँ पे जो ये फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई देखें कितने अच्छे हो रहे हैं अभी ना, पूरे ये ब्राउन ब्राउन से, ये देखें क्या यम्मी लग रहे हैं, देखने से ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मैं आप लोगों को काश इसका टेस्ट करवा पाती, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छे थे। मैं आप लोगों को टेस्ट करवा देती ना तो आप लोग कहते हैं वाकई यार ये वाकई में अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये हम जो है सॉस बना रहे थे, इसमें हमने केचप लिया और मेयोनीज ली और दोनों को जो अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा मिक्स अच्छे से करनी है कि वो जो एक अजीब सा होता था ना वो ना रहे, बिल्कुल अच्छे से देखें ज़ोर ज़ोर से मिक्स करें पूरी अपनी जान लगा कि इसको मिक्स कर दें। ये सॉस काफ़ी अच्छा बनता है, ये हमने घर में ही बना लिया था। देखा नहीं हमने, जैसे बाहर से आप जिंगर वगैरह लाओ तो सॉस वगैरह डाला होता है, बिल्कुल उसी टाइप का बनता है। अच्छा हमने जो है कुछ बंस मंगवा लिए थे बाहर से जो होते हैं, ताकि कुछ जो है जिंगर बन सकें और जो है कुछ जो है ब्रोस्ट बन सकें। ब्रोस्ट हम ऐसे ही खा लेंगे और जो है ये जिंगर है वो हमने पता क्या किया था, हमने जो है इफ्तार में जो है ये जिंगर बर्गर खाए थे बना के, और फिर तो हाफ हाफ जिंगर बर्गर खाया था तो उससे पेट भर गया था तकरीबन। उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, आधा एक घंटा रेस्ट किया, किचन वगैरह क्लीन किया, देन उसके बाद जो है हमने उसके बाद जो है क्या नाम है
क्या कह रही थी मैं, हाँ उसके बाद जो हमने फिर ये ब्रोस्ट खाए थे, ब्रोस्ट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, और वही जो हमेशा का टैंग वगैरह होता है वो था। हम जो है ना अपनी इफ्तारी रोज़ चेंज करते ताकि ना बोर ना हो जाए, मतलब इस तरह नहीं कि क्या नाम है कि सिर्फ पकौड़े समोसे यही सब कुछ बन रहा है। जैसे मैंने आपको क्लिप में दिखाया था इससे पहले आलू के पराठे, अच्छा जो क्लिप में नहीं दिखाती इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना ही नहीं खाते, कभी कभी कुछ कुछ दिन की वीडियो शूट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली व्लॉग्स करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ही अभी हम ग्रो कर पाएंगे, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम मैं यही कह रही थी कि इफ्तारी में जो है अब हम रोज़ चेंज करते हैं ताकि बोर ना हो जाए, क्योंकि आप जब रोज़ा खोलते हो ना तो आप क्रेविंग होती है कि आप बहुत अच्छा खाओ, तो अब ये नहीं कि आप एक अच्छी चीज़ पकड़ लो आप पूरे 30 दिन में ही खाते हो, तो जो है चेंज करना पड़ता है। इस वजह से हम जो है चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी जैसे क्या नाम है इफ्तारी बना ली तो फिर कभी इफ्तारी बना ली, और फिर कभी ना डायरेक्ट डिनर कर लेता, मतलब जो है जैसे ही रोज़ा खोला उसके बाद फ़ौरन डिनर कर लिया। अच्छा ये जिंगर बर्गर जो है डन हो चुके हैं, आपको ये चेक करवाते हैं अभी, ये देखें ये ओहो सीन चेक करें आप, मतलब बहुत यम्मी बहुत जूसी सॉसी बने थे ये, और इसमें जो है आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत छोटे हैं, इससे वाकई पेट भर गया था, और हमने ये हाफ ही खाए थे और इसमें हमारा पेट भर गया था। ये क्रिस्पी ब्रोस्ट और एक प्लेट ये, और एक और दिखाते हैं। अच्छा ये जो है कट करके जो है मम्मा दे रही थी इधर नेवर्स वगैरह में कहीं, तो ये देखें ये भी आपको काट के दिखाएंगे। ये देखें ये सॉफ्ट भी थे, ये नहीं कि ये बिल्कुल रफ़ से हो, क्योंकि वो रफ़ से बिल्कुल नहीं खाए जाते, वो बिल्कुल अच्छे भी नहीं होते, ये बहुत अच्छे थे। अच्छा होममेड जो चीज़ होती है ना उसमें ये भी बात होती है, उसमें साफ़ सुथराई भी बहुत होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें जो रेस्टोरेंट्स वाले क्या नाम है कैसे बना के दे रहे हैं, किस चीज़ के चिकन है या मीट है, हमें कोई आइडिया नहीं होता। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये हमारा दस्तखान है, अच्छा यहाँ पे जो हमने दस्तखान लगा लिया इफ्तार के लिए, अच्छा जो इफ्तार के बाद हमने जो खाना खाया था हम उसकी जो क्लिप है वो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें।